वगैरह से, है ना, इस तरह के। इसलिए और जहाँ हम लोग आपको रखते हैं, ये नारकोटिक कंट्रोल जो योजना है नशा मुक्ति का, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, ठीक है ना। ये हर जगह नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है, और पटना में भी है, हर स्टेट में है, हर जिला में है। पतंजलि वाले भी अपना नशा मुक्ति के लिए कुछ कुछ अपना टिप्स बताते रहते हैं। जैसे बहुत सारा टिप्स में है कि नशा करने वाले, जैसे दारू पीने वाले, और पतंजलि वाले बताते हैं कि हाँ दो उसमें गाढ़ा बनाइए, और जब आधा किलो बच जाता है तो उसको सुबह शाम पीने से, तो अपना अपना टिप्स हर लोग बताते हैं। इसलिए इस सारे चीज़ों को हम लोग को देखना है, करना है। और मैं चंद्रमणि सिंह, हमारे भाई हैं वो राम रक्षा तिवारी, और पैनलाइजर हमारे पुष्पांजलि कुमारी जी हैं, और विशेष ये बताएंगे। और हम थोड़ा सा क्वेश्चन मानते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Myself Pushpanjali Kumari, I am Panelia from DMSA Bhojpurana। मैं आज आप लोग के समक्ष नशा मुक्त भारत, तो नशा वर्ड सुनते ही लगता है कि कितना छोटा वर्ड है, लेकिन इसके माने बहुत बड़े हैं, ठीक है। और जैसा सर ने बताया कि हर चीज़ का अच्छा, हर चीज़ का बुरा होता है, लेकिन नशा एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ तक मेरी सोच है एक आम इंसान होने के नाते, कि नशा ही एक ऐसा चीज है जिसका कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है। कोई है तो बताइए, कोई प्लस पॉइंट नहीं है सिवाय निगेटिव पॉइंट के, केवल हानि, हानि और केवल हानि। तो नशा के बारे में ये कहना है हमारा कि नशा जो है वो इतनी खराब बीमारी है कि अगर किसी को एक बार स्ट्रॉन्ग विल पावर कि हमको क्या करना है, इसको छोड़ना है। नशा मुक्त भारत अभियान ये सरकार ने क्यों चलाया है, कभी सोचा आपने कि सरकार और बहुत सारी योजनाएं चला सकती है, लेकिन नशा मुक्त भारत अभियान पे इतना फोकस क्यों है? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा भारत विकासशील देश है, ठीक है। और विकासशील देश क्यों कहा जाता है, यहाँ की युवाओं के चलते हमारे देश की धरोहर, हमारे देश के विकास की नींव हमारे युवा हैं, और वही अपने रास्ते से भटक गए हैं, और भटक के कहाँ चले गए हैं, नशे की गिरफ्त में गिरफ्तार हो गए हैं। तो जब हमारा युवा ही नहीं सही रहेगा तो देश का कहाँ से विकास होगा? तो सबसे पहले तो युवा को सही जगह पे लाना है उनको, वो जब सही जगह आएंगे उसके बाद ही तो फिर देश का विकास होगा। तो हमारे भारत सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने एक अभियान चलाया है नशा मुक्त भारत। हेलो हेलो, धन्यवाद। देखिए हम लोग बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत यहाँ आपको प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए हैं, और सबको इस बात को बताना है नशा मुक्ति अभियान पूरे भारतवर्ष में और हर राज्य में हर जगह नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। यह नशा मुक्ति अभियान 15 अगस्त 2020 से इसकी सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर चलाया जा रहा है, और यह 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलाना है हम लोग को नशा मुक्ति अभियान। नशा मुक्ति अभियान 2021 देश के 272 जिलों में चलाया जा रहा है, और चिन्हित किया गया है 21-21 जिलों में, जैसे हम लोग के जिला के भी नाम है, इसको भी चिन्हित करके, और इस जिले को भी हर जगह आप लोगों के बीच ब्लॉक में, गांव में, स्कूल में, पंचायत में, हर जगह हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान। और इसे हम लोग को देखना है कि क्या फायदा है, क्या घटी है, इसमें क्या नुकसान होता है। इसमें जैसे कि सरकार द्वारा आपको 2 अप्रैल 2016 को
एक शराबबंदी कानून के तहत नियम बनाया गया, जिसमें जो भी नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और अनेक प्रकार के इंजेक्शन लेते हैं, उनको जेल में भेजने का काम किया गया सरकार द्वारा, कि जिससे डर हो, जिससे उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे, बहुत तरह की बीमारियों से बचे, उनकी व्यवसाय खत्म ना हो, उनकी नौकरी जो है लेट लड़की फाते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारा एक्सीडेंट होता है नशा से। आप देखते हैं कि ये नशा से कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सभी लोग इस नशा को नहीं करना है। नशा करने से हम लोग को क्या क्या हो रही है, ये सब लोग हम आप और सभी बुद्धिजीवी बच्चे पढ़े लिखे आप लोग हैं, समझ रहे हैं कि इस अभियान को नशा करने से हम लोग को क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। इसमें बेनिफिट भी समझ लीजिए, क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, लॉस के सिवाय कुछ होने वाला नहीं है। केवल नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं अथवा पढ़ाई करते हैं अथवा जो भी करते हैं, घर जाने के लिए अपने बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाइएगा, अगर नशा नहीं करते हैं तो हर चीज़ से हम वंचित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, घर परिवार बाल बच्चा सब खुशहाल रहेगा, है ना। इस तरह का नशा मुक्ति योजना बनाई गई है। नशा मुक्ति के लिए हम लोगों ने मैंने भारत सरकार आपके बिहार सरकार में हर जगह बनाया गया कि कहाँ कहाँ उसकी देखभाल की जाएगी। इसमें धन और जन दोनों का लॉस है। नशा करने वाले को धन और जन दोनों का लॉस होता है। इसमें आपका धन भी जा रहा है और आपका शरीर भी खत्म हो रहा है, बीमारी है, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह से, है ना। इस तरह की इसलिए और जहां हम लोग आपको रखते हैं, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सामाजिक न्याय अच्छा उन्हें टाइट हो जाए, टाइट कर दिया ना, नहीं बढ़ती बात ना। हाँ सर ले हाँ सर जी फोटो बाबू सबका ले लेना, ठीक घर से जाके, ठीक है, फोटो और वीडियो दोनों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फोटो भी क्लियर सबका आना चाहिए और वीडियो 30-30 सेकंड का नहीं, 3-4 ही बनाइएगा लेकिन ढंग से, बोलते हुए सर का, ये सर का और मेरा।